चंडीगढ़ में 19 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि कल मतदान होंगे, तो वहीं पर मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पूजा वर्मा ने चंडीगढ़ की SSP जगदेल नीलांबरी से खास बातचीत की, आइए सुनवाते हैं। 19 मई को पोलिंग का दिन है और चंडीगढ़ में क्या सुरक्षा व्यवस्था है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ की SSP नीलांबरी जगदेल। मैम, इलेक्शंस हैं, क्या तैयारी है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से? पूरे पुख्ता बंदोबस्त इसमें सिक्योरिटी के किए जा चुके हैं। 597 बूथ है, उनमें से 230 संवेदनशील है, तो सभी संवेदनशील बूथों के ऊपर हमने CAPF डिप्लॉय की है। 5 कंपनियां हैं CAPF की, 360 जवान तैनात रहेंगे। उसके अलावा 2900 जवान चंडीगढ़ पुलिस और IRB और लेडी पुलिस के तैनात रहेंगे। क्विक रिएक्शन टीम्स और 40 रिजर्व टीमें हमने बनाई हैं। हर एक थाने के एरिया में 16 पेट्रोलिंग पार्टीज है टोटल चंडीगढ़ के, तो उसके अलावा हमारी 60 PCR की वैंस है। तो ये सारी टीम्स जो है हमारी उस दिन अलर्ट मोड में रहेगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम या क्राइम की प्रॉब्लम ना आ सके। हम जो चंडीगढ़ मुलाजिम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और वोट कास्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ है? उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसको EDC कहते हैं, उसकी फैसिलिटी उनको दी गई थी। तो कई मुलाजम जो है जिनकी वोट बनी हुई थी, उन्होंने उस फैसिलिटी को अवेल किया है। करीब करीब 500 से ऊपर मुलाजमों के अभी तक EDC इशू हो चुके हैं, और कुछ मुलाजमों के मेरे ख्याल से आज हो जाएंगे। तो वो लोग भी, चाहे वो ड्यूटी पर भी है, वो जहाँ पे भी ड्यूटी पर है, उस बूथ में जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। मैम, जिस तरह से अगर आपने कहा कि EVM की सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, क्या है वो? यस, EVM स्टोरेज सेंटर की सुरक्षा जो है उसका बिल्कुल चाम चौकन बंदोबस्त किया गया है। उसमें EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स के इमीडिएटली बाहर इनर कॉर्डन, इसको हम कहेंगे, जिसमें CRPF लगाई जाएगी। उसके बाद IRB का घेरा रहेगा, और उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस का घेरा रहेगा। मतलब तीन कॉर्डन्स में, तीन टीयर्स में इसकी सिक्योरिटी रहेंगी। माउंटेड पुलिस स्टाफ और PCR व्हीकल्स भी जो है इस पूरे प्रेमिसेस को पेट्रोलिंग करते रहेंगे पूरे टाइम, और ये पूरे प्रेमिसेस CCTV सर्वेलेंस के अंडर रहेंगे, ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन की या व्हीकल की इसमें एंट्री ना हो सके। चंडीगढ़ पुलिस की भी कोई ऐसी हेल्पलाइन दी जाएगी जो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग हैं, अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो रही हो? चंडीगढ़ पुलिस की है 100 पे कॉल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए वीमेन हेल्पलाइन है 1091, और इसके अलावा कंट्रोल रूम है, कहीं पे भी कॉल करके अपनी बात बता सकते हैं। यस, ऑल शिकायतें, सारे शिकायतें और इलेक्शन रिलेटेड इसमें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नीलांबरी जगदेल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो है चुनाव करवाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने तैयारी कर ली है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सनमप्रीत के साथ पूजा वर्मा, खबरें अभी तक।